वेलकम टू इंग्लिश क्लासेज टुडे वी शेल डिस्कस अ वेरी टचिंग पोएम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 फ्राम दुक हॉर्न बिल द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ डियर स्टूडेंट्स हम सब अपनी फोटोज़ को बहुत ही सहेज कर संभाल कर रखते हैं क्योंकि फोटोज से हमारी यादें जुड़ी होती हैं और अब इस पोएम में पोएट भी एक फोटोग्राफ को देखती हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाती है लेट अस सी इस फोटोग्राफ इज़ इट the poet of this poem is shirley tawson let's have a look at the introduction to the poem a photograph makes us recollect all the past memories of our life the memories keep flashing back into our mind when we look at the photograph years later जब भी हम किसी फोटो को देखते हैं तो सारी पास्ट मेमोरीज हमारे माइंड में फ्रेश हो जाती हैं हेयर द पोएट लुक्स एट द कार्ड बोर्ड विद हर मदरस फोटोग्राफ पास्ट मेमरीज स्प्राउट इन हर माइंड इस पोएम में पोएट भी एक कार्ड बोर्ड को जिस पर उसकी मदर की फ़ोटो लगी हुई है देखती है तो उसे भी बहुत सारी पास्ट मेमरीज उसके माइंड में फ्रेश हो जाती हैं हर मदर इज़ नो मोर नाउ अब उसकी माँ जीवित नहीं है सो शी फील्स दैट ह्यूमन बींग्स हैव टू एक्सेप्ट द लोनलीस क्रिएटिड बाई डेथ अब वो महसूस करती है कि हम इंसानों को डेथ के द्वारा क्रिएट की गई अकेलेपन खालीपन को स्वीकार करना ही पड़ता है सो दिस इज द टेक्सट ऑफ द पोएम और आप देख सकते हैं कि इस पोएम में तीन स्टेंजाज हैं द फर्स्ट स्टेंजा डील्स विद द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर द सेकेंड स्टेंजा डिपिक्ट यूथ ऑफ द पोएट्स मदर and the third stanza depicts old age accompanied with death now let's have a look at the word meaning cardboard means a stiff paper board gatta parley means walking with bare feet in shallow water transient means temporary snapshot photograph rai turned or twisted with expression of sadness chehre par udasi ke bhav dikhai dena Now we shall start line by line explanation of the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Cardboard मुझे दिखाता है इसका मतलब poet एक कार्डबोर्ड की तरफ देखती है अब यहाँ पर एक कार्डबोर्ड वर्ड क्यों यूज़ किया गया है द कार्डबोर्ड here रेफर्स टू द mounted फोटोग्राफ ऑफ़ द मदर एंड हर cousins. एक कार्डबोर्ड के ऊपर माँ की फोटो लगी हुई थी और अब ये फोटो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी वॉर्न आउट हो गई थी इसीलिए पोएट ने ये वर्ड कार्डबोर्ड यूज़ किया है अब वो फ़ोटो को देखती है तो क्या है इस फोटो में कि कैसे दो कज़न लड़कियाँ पैडलिंग कर रही थी शैलो वाटर में चल रही थी ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स और दोनों ही कज़न गर्ल्स ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था इसका मतलब पोएट की मदर बीच में थी और दोनों कज़न ने माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था अब यहाँ पर ये यह होल्डिंग क्या दिखाता है कि जैसे दो छोटी बहनें बड़ी बहन का हाथ पकड़कर एक सिक्योरिटी की फीलिंग अपने मन में लाना चाहती थी द टू कजन्स वर होल्डिंग ऑन टू द पोएट्स हैंड एज शी वॉज द एल्डेस्ट वन एंड द टू

स्टिल मीन्स कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी क्यों क्योंकि उनके अंकल कैमरा से उनकी फ़ोटो को कैप्चर कर रहे थे अब जब भी हम कोई भी फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो हम हिलते नहीं हैं स्टिल खड़े हो जाते हैं ताकि फोटोग्राफ अच्छी आए तो ऐसा ही ये तीनों बहनें कर रही थी और वे स्माइल कर रही थी वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर इट मीन्स विंडी डे था और बाल जो है उनके चेहरे पर उड़कर फैल रहे थे देयर <coughs> हेयर फ्लू ओवर देयर फेसिस एंड थ्रू विच देयर स्माइलिंग फेसेज कुड भी सीन सो ये तीनों लड़कियाँ फोटो खिंचवा रही थी अब ये सारी लाइन्स क्या दिखाती हैं कि चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड होता है ज़िंदगी का जिसमें इनोसेंस लव केयर ये सारी खुशियाँ दिखाई देती हैं अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न मेरी माँ का चेहरा बहुत ही स्वीट था और कब की बात कर रही है पोइट जब वो पैदा भी नहीं हुई थी इसका मतलब फोटो में क्या दिखाया गया है कि पोइट की मदर बारह साल की थी तो चाइल्डहुड एज की एक इनोसेंस स्वीटनेस माँ के चेहरे पर दिखाई दे रही थी सिंस द मदर वॉज ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल वेन द फोटोग्राफ वॉज क्लिक्ड सो देर इज़ एन इनोसेंस स्वीटनेस ऑफ चाइल्डहुड ऑन हर फेस अब इस चाइल्डहुड की इनोसेंस को पोएट कंपेयर करती है नेक्स्ट टू लाइन्स में हमें पता लगता है कि क्या कंपेरिजन है एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट और समुद्र जो क्या लग रहा है जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा वो समुद्र उनके ट्रांजिएंट टेम्प्ररी फीट को धो रहा था इट मीन्स फोटोग्राफ में वो तीनों लड़कियां सी बीच पर खड़ी थी और समुद्र की लहरों से उनके पैर भीग रहे थे अब पोइंट यहाँ पर दिखाना चाह रही है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिवर सी इनके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं पड़ता है दे डू नॉट पैरिश दे डू नॉट चेंज विद द पासिज ऑफ टाइम ऑन द अदर हैंड वी ह्यूमन बींग्स आर चेंज विद द दासीज ऑफ़ टाइम हम जो है चेंज हो जाते हैं हमारी फिजिकल अपेयरेंस चेंज हो जाती है और बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में समय के साथ साथ आने लग जाते हैं लेकिन समुद्र पर समय समय का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा था ऐसा समुद्र उनके ट्रांजिएंट फीट को धो रहा था टेरिबली ट्रांजिएंट अब ये एक एम्फेसिस डाला गया है कि ह्यूमन बींग की लाइफ बहुत ही छोटी होती है टेम्प्ररी होती है किसके कंपेरिजन में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में तो पोएट यहाँ पर बताना चाह रही है कि समय का नेचुरल नाच, ऑब्जेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही चेंज हो जाते हैं सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैप सी बैटी एंड डोली शी वुड से एंड लुक हाउ ड्रेस फॉर द बीच कुछ बीस या तीस सालों के बाद वो फ़ोटो की तरफ देखती इसका मतलब कि अपोएट की मदर बड़ी हो गई थी उसकी शादी हो गई थी और वो अपने बचपन की इस फोटो को उठाती तो वो हंसने लग जाती थी और कहती थी देखो बेटी और डोली को हम जो है कैसे हमें तैयार किया गया था इस सी होलीडे के लिए अब देखिए ये बिल्कुल नेचुरल है जब भी हम अपनी जो है पुरानी फोटो को उठाते हैं तो हमें भी लगता है कि हम कितने फनी दिखाई देते थे या हमारी ड्रेस सेंस कैसी थी तो ऐसा ही पोएट की मदर के साथ हो रहा था द साइट ऑफ द फोटोग्राफ यूज टू थ्रो द मदर इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर एज इट रिवाइव द पास्ट मेमोरीज ऑफ द सी होलीडे वेन दे ओल सो फनी एंड सो डिफरेंट अब मदर जो है बड़ी हो गई थी तो वो उस फोटो को देख कर बहुत ही हंसने लग जाती थी द सी होलीडे वॉज़ हर पास्ट माइन हिज माइन इज हर लाफ्टर अब जो है पोएम के टोन में एक चेंज आ जाता है द सी होलीडे वॉज़ हर पास्ट अब जो है समुद्र तट पर बिताई गई एक होलीडे उसका पास्ट थी यानी कि पोएट की मदर के लिए पास्ट की चीज़ क्या थी वो चाइल्डहुड में बिताया गया एक हैप्पी डे एक होली डे माइंड इज हर लाफ्टर और मेरे लिए पास्ट की बात क्या बन चुकी है उसकी हंसी इट मीन्स पोएट के लिए अब माँ की हंसी एक पास्ट की बात बन गई थी क्यों बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर मदर द क्रीअल हैंड्स ऑफ डेथ हैव पार्टीड द टू तो माँ जब फोटो को देखती थी तो वो उदास हो जाती थी कि कैसे उसका चाइल्डहुड चला गया है द मदर हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड इनोसेंस द प्लेजर्स ऑफ हर चाइल्ड हुड डेज वैन शी वेंट फॉर सी हॉलीडे विद हर कजन्स और पोइट के लिए भी पास्ट की बात क्या बन गई है माँ की हसी बोथ राई विध द लेबर्ड ईज ऑफ लोस दोनों ही दोनों माँ बेटी क्या करती हैं उनके चेहरे पर एक दुख का एक्सप्रेशन होता था लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है जब हम कोई चीज़ खो देते हैं उसके बाद बड़ी मेहनत से उस पेन को भूलने की कोशिश करते हैं तो हमारे चेहरे पर वो एक सैड एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो यही बात जो है पोएट की मदर और पोएट के साथ हो रही थी दोनों का ही पास्ट बन चुकी थी अलग अलग बातें माँ के लिए वो बचपन का दिन और पोएट के लिए माँ को खो देना माँ की हंसी ना सुनाई देना ये अब पास्ट की बात बन चुकी थी नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड आज अब जो है उसको मरे हुए यानी कि पोएट की मदर को मरे हुए उतने ही साल हो चुके थे जितने इट मीन्स द पोएट्स मदर लिव्ड ए हैप्पी लाइफ टिल शी वॉज ए गर्ल ऑफ अबाउट ट्वेल्व पोएट यहाँ पर यह कहना चाह रही है कि जब माँ अपने बचपन में थी बारह साल के आसपास की थी तो वो मानो सारी खुशियाँ उसने प्राप्त कर ली थी उसी समय वो अपने एक अच्छे से पीरियड को इंजॉय कर रही थी लेकिन उसके बाद जैसे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जा आ जाती हैं लाइफ चेंज हो जाती है तो अब माँ को मरे हुए बारह साल ही बीत चुके थे एंड ऑफ दिस सरकमस्टन्स देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसिस और अब इस परिस्थिति के बारे में आज के बारे में पोएट क्या कहे वैन शी हैज़ लोस्ट हर मदर देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल कुछ भी कहने के लिए बचा ही नहीं है इट मीन्स शी The poet feels intensely the loss of her mother. She is helpless. She is very sad. She is unable to express her grief in words. वो कोई शब्दों में अपने दुख को, दर्द को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही है। Its silence silences. मदर की डेथ की वजह से जो एक वॉइड क्रिएट हो गया लॉन्नीस क्रिएट हो गई है उसकी वजह से मानो हर जगह चुप्पी ही छा गई है द पोएट्स मदर्स एबसेंस द लाइफ ऑफ द पोएट नाउ लेट्स लुक एट द लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में एलिटरेशन यूज किया गया है इट मीनस अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स एग्जाम्पल देखिए ओल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देअ हेयर थर साउंड है थ्री और थ्रू में देन स्टूड स्टिल स्माइल सर साउंड प्रोमिनंट है तो यहाँ पर एलिटोरेशन यूज हुआ है नेक्स्ट देखिए टेरिबली ट्रांजियन फीट टर् साउंड प्रोमिनंट है इट्स साइलेंस साइलेंस इज सर साउंड प्रोमिनेंट है नाउ हैवे लुक एट द समरी ऑफ द पोयम a photograph is a touching poem composed by shirley Townsend. it is woven around a photograph the photograph depicts the poet's mother and her cousins enjoying themselves at sea beach thus the first stanza deals with the childhood days of the poet's mother and her two cousins when they had gone फॉर सी हॉलीडे फर्स्ट स्टेंजा में पोइट की मदर के चाइल्ड हुड डे को जब उसने सी हॉलीडे सेलिब्रेट की थी उसको दिखाया गया है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सी रीवर डू नॉट पेरिश विद द पासिज ऑफ टाइम बट वी ह्यूमन बींग्स चेंज विद आर ग्रोथ समय का नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता लेकिन हम इंसानों की फिजिकल अपियरेंस चेंज हो जाती है द सेकेंड स्टेंजा शोज द यूथ ऑफ द पोएट्स मदर वैन शी वुड ओफन लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ सेकेंड स्टेंजर में पोएट जब की पोएट की मदर जब बड़ी हो गई थी फोटो को देखती थी तो बड़ा हंसती थी ये दिखाया गया है द थर्ड स्टेंजर डिपिक्ट ओल्ड एज अ कंपनीट विथ डेथ द पोएट्स मदर इज नाउ नो मोर हर एब्सेंस हैज क्रिएटेड ए ह्यूज वॉइड इन द पोएट्स लाइफ थर्ड स्टेंजर में दिखाया गया है कि पोएट की मदर एक्सपायर हो जाती है और उसकी वजह से पोएट की लाइफ में एक खालीपन क्रिएट हो जाता है दस द टाइटल ऑफ द पोएम इज सिम्बॉलिक ऑफ हैप्पी मोमेंट्स इन लाइफ बट साइलेंस एंड डेथ ज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू रिफ्लेक्ट अपॉन तो इस प्रकार से ये टाइटल फोटोग्राफ हमारी जिंदगी के खुशी वाले पलों का सिंबल है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए मानो साइलेंस और डेथ ही बच जाता है सो प्लीज नाउ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेज विद शीतल शर्मा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो